हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में, अपने अपनी जगह पे सब अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो आज का दिन जो है वो मैं संडे है, आज के दिन में आज स्पेशल लंच का जो मेन्यू है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसे कल कह रहे थे कि बारिश होगी, पर यहाँ का मौसम जो है देख के लग नहीं रहा है कि बारिश होगी। बाहर इतनी ज़्यादा धूप है जो मतलब क्या कहें। तो बस चलिए चलते हैं अब किचन में और करते हैं आज के लंच की तैयारी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये सेकेंड टाइम की चाय बन रही है और आज के लंच का जो मेन्यू है वो है बिरयानी। तो हम लोग बिरयानी जो है वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ मैं, थोड़ा अलग बिरयानी में। इसमें मैंने जो है 200 ग्राम धनिया और दो गड्डी पुदीने की वो, और अदरक एक इंच, लहसुन आपकी दो, ऐसा दो मैंने पूरा लहसुन मैंने डाल दिया था, और सिर्फ चार हरी मिर्च मैंने इसमें डाला है, और दही थोड़ा सा, मतलब एक इस चम्मच का बड़ा चम्मच मैंने दही डाला था, क्योंकि विनीगर के साथ ही मैं मैरिनेट करके मैं रखती हूँ चिकन को, तो इसलिए मैंने ज़्यादा दही नहीं डाला, नहीं तो फिर ज़्यादा खट्टा खट्टा सा लगता। तो जिस वजह से देखिए उसके साथ फिर मैंने इसको जो है पेस्ट बना लिया, और फिर मैंने ये चिकन और वो पेस्ट एक साथ मैंने मिक्स करके मैंने डाल दिया। नमक हल्दी तो पहले से ही मिक्स ही था इसमें चिकन में, तो मैंने अभी तक नहीं डाला है, क्योंकि अभी बिरयानी चावल में जो है उसमें भी मैं नमक डालूंगी तो फिर वो ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए, इस वजह से। अभी मैं इसको ढक के जो है पानी, देखिए कितना पानी निकल चुका है, ये पानी जो है इसको मैं, जब तक ये पानी सूखेगा तब तक मेरा चिकन भी जो है पूरा अच्छी तरह से वो मेरा पक जाएगा। इसको मैं अभी ढक के अभी पकाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे चाय पीने जाना है। इस बीच में अगर मैं आज इसका जो फ्लेम अगर मैं बढ़ा दूँगी तो फिर मेरा चिकन पानी तो वो हो जाएगा, सूख जाएगा, पर ये मेरा रह जाएगा मेरा चाय, मतलब मैं चाय नहीं पी पाऊँगी। और चावल इसको जो है इसको मुझे भिगोना है, ये मेरा भिगोना रह गया है, तो अभी ये काम मैं कर देती हूँ, है ना। चावल को मैं सोच रही हूँ आज ना मैं डायरेक्ट ही बिठा दूँ, तो मैं बिठा के मैं आपसे फिर बात करती हूँ, ठीक है। हाँ, ये मैंने चावल चढ़ा लिया है, अब इसी में जो है मैं नमक डाल दूँगी, जितने भी खड़े मसाले हैं वो सब मैं इसी में डाल दूँगी। थोड़ा सा जीरा डाल दिया, ये दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेजपत्ता, और आपके इसमें और भी काफ़ी सारे गरम मसाले डालते हैं तो वो फ़िलहाल तो है नहीं, और हम लोग जहाँ से लाते हैं वहाँ जाना भी पॉसिबल नहीं है इस लॉकडाउन में, तभी फ़िलहाल इसी से जो है काम चलाना है। और एक कप का बिरयानी मसाला है, एक सेकेंड, बिरयानी मसाला इतना सा और थोड़ा सा, दो टाइम के लिए बना रही हूँ तो मैंने ना दो पतीले में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, आधा इसमें कर रही हूँ और आधा इसमें कर रही हूँ, इन दोनों में बना रही हूँ, ठीक है। और इसमें भी सेम वैसे ही कर लूँगी, जीरा, नमक, जस्ट हल्दी, और अब डालूँगी मैं इसमें खड़े मसाले।
इसमें अभी भी पानी है, इसको पकने देती हूँ अभी, तब तक मैं ना चाय पी लेती हूँ। ये चिकन जो है ये मेरे हस्बैंड ना सैटरडे को ही लेके आ गए थे, और वो चिकन एक बार हो जाएगा तो फिर मैं जो हूँ ये आपका प्याज वो फ्राई कर लूँगी उसके ऊपर से देने के लिए। अभी यहाँ पे दो पतीले में मैंने चावल दे दिया है, यहाँ पे ये चिकन हो रहा है, पक रहा है मेरा। इसके बाद जो है मैं आगे का प्रोसेस वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, ये देखिए चावल जो है आधे कच्चे पके हैं। अब इसको क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए जो है ये स्टीम में भी पकाऊंगी चिकन के साथ, तो ये पूरे अच्छे से जो है ये पक जाएंगे। तभी मैं फटाफट से जो है इसे उतार लेती हूँ, नहीं तो ये ना जल्दी से फिर गल जाएंगे। ये देखिए चिकन का जो है वो चिकन का पक चुका है, उसका ग्रेवी भी जो है वो भी बन चुका है। मैंने इसको गैस को भी मैंने कर दिया है बंद, चावल में भी मैंने यहाँ पे ये दोनों पतीला मैंने उड़ेल दिया है, जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने इसमें से छान लिया था। अब ये जो प्याज है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें फ्राई करूँगी, क्योंकि इकट्ठे ना बहुत सारा तेल यूज़ हो जाएगा, तेल लग जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके जो है इसी में मैं फ्राई करूँगी, और ऊपर से गार्निशिंग के लिए है ना। तो ये बस अब जो है ये लेयरिंग करनी बाकी है, ये पानी जो है वो चावल का जो ये पानी है वो थोड़ा और आपका निकल जाए, फिर उसके बाद जो है मैं इस बड़े वाले हम लोग इसको हाड़ी बोलते हैं बंगाली में, तो इसमें हम लोग शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा जो प्याज इसमें ये फ्राई होता रहेगा उसको मैं यहाँ पे जो है शिफ्ट करते रहूँगी, और शायद पीछे आपको बैकग्राउंड में ना आपको किसी के बोलने की आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड का ना कॉन कॉल चल रहा है तो शायद उसी की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो ये देखिए काफ़ी तो फ्राई भी हो चुका है, और यहाँ मेरा एग्जॉस्ट चल रहा है, इतनी गर्मी है। अच्छा, कल के वेदर फोरकास्ट में अच्छी खबर है, कल के वेदर फोरकास्ट में ये बताया गया था कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा बारिश होगी, इतनी ज़्यादा बारिश होगी, मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं, पता नहीं कब होगी कहाँ होगी मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ पे तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, इतनी ज़्यादा तेज़ है कि बस बताने लायक नहीं है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है ना कि हवा को किसी ने ना ऐसे बांध के रखा हुआ है कि भाई हवा तू बिल्कुल मत चलना, बारिश तो बिल्कुल ही मत होना, इतनी ज़्यादा भयंकर और तेज़ वाली गर्मी हो रखी है यहाँ पे, मतलब मैं बता नहीं सकती। प्याज यहाँ पे मैंने ये फ्राई कर लिया है, यहाँ पे मैंने तेल और जो घी है दोनों जो है वो इक्वल प्रपोर्शन में मैंने दे दिया है, और फिर अब मैं इसकी जो लेयरिंग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये सबसे पहले चावल, देखिए चिकन कितने अच्छे से जो है पक गया है। फिर से जो है इसके ऊपर से मैं चावल डाल दूंगी, ये देखिए इसकी लेयरिंग जो है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा जो है वो घी मैंने डाल दिया है। अब मैं गैस को जो है वो मैं कर देती हूँ ऑन,
और बिल्कुल जो है मीडियम फ्लेम में इसे मैं कर दूंगी पूरा पैक। ये देखिए इसको मैंने फॉइल पेपर से जो है ये पूरा मैंने सील कर दिया। मुझे फॉइल पेपर ना मिल नहीं रहा था, मैंने ना आटा निकाल लिया था, मैंने सोचा कि चलो इसी के साथ जो है वो मैं इसे सील कर दूंगी, पर चलो कोई नहीं फॉइल पेपर मिल गया, सील कर दिया इसको। अब मैं अभी हो रहे हैं आपके 135, इसको मैं 5 से 7-8 मिनट रखूँगी क्योंकि चावल और चिकन चूँकि मेरा दोनों ही अच्छे से पक चुका है, तो ये दोनों मैं अभी सिर्फ 5 से 7 मिनट ही रखूँगी और फिर ये मेरा बन जाएगा। तब तक जो है मैं रायते की तैयारी कर लेती हूँ जब तक ये पक रहा है। 6-7 मिनट हो गए हैं, देखिए इसमें से ना आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये बन चुका है। अब जो मैं इस गैस को मैं कर देती हूँ बंद, अब इसको मैं कुछ देर के लिए इसी तरह स्टीम पे इसको रख दूंगी और फिर थोड़ी देर बाद फिर इसे ये कवर बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दूंगी। यहाँ मेरा रायता भी मेरा बन के तैयार है और ये जस्ट मैंने अभी अभी इसको स्टीम से निकाला है, ये फॉइल पेपर उतारा है। देखिए कैसे स्टीम कैसे आ रहा है कैमरे में, स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा है ऐसे धुआं धुआं सा, और खुशबू मतलब बहुत ही अच्छी आ रही है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद बना है। तो आई होप कि आज आपको जो है ये मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब।